चुन के आए हमारे साथी भाई गणेश यादव जी, सैयद अली और साथ ही साथ जो आप सबको कल से अलग अलग टॉपिक पे मार्गदर्शन कर रहे हैं, रनिंग टीम एनएसयूआई के सभी साथी, सभी मुंबई एनएसयूआई के सभी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, मुंबई एनएसयूआई के सभी पदाधिकारी चंद्रेश और सभी यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं, सारे लोग हमारे सभी साथी, सबसे पहले मैं मुंबई एनएसयूआई को बधाई देना चाहता हूँ, नितिन सिंह और उनकी पूरी टीम को, कि अखिल भारतीय एनएसयूआई के जो कार्यक्रम पूरे देश में एनएसयूआई के माध्यम से स्टूडेंट्स को, छात्रों को खास करके और एनएसयूआई में काम करने वाले सभी साथियों को अलग अलग टॉपिक पे मार्गदर्शन करने के लिए जो दो दिन का यहाँ पर कैंप आयोजित किया, उसके लिए मैं ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। पिछले दो दिनों से अनेक नेताओं ने यहाँ पर आप सबको से बात की, बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई, आपको अलग अलग हालात में क्या कदम उठाने चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। मैं सुन रहा था कि बहुत ही अच्छी तरीके से छात्रों को, खास करके छात्र आंदोलन में जो परेशानियां होती हैं, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट या अलग अलग तरह से जो दिक्कतें होती हैं, उनसे हमें कैसे निपटना चाहिए, कैसे कदम उठाना चाहिए, कानून के दायरे में रह के हम लोगों को, छात्रों को कैसे मदद कर सकते हैं, जो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इस देश के कानून ने हमें अधिकार दिया है, उसका सही तरह से उपयोग करके हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। ये बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत ही अच्छी डॉट लाइन, एक एक चीज यहाँ पर बताने का काम हो रहा है। मैं उसके लिए भी एनएसयूआई की जो टीम है जो यहाँ पर मार्गदर्शन कर रही है, उनको भी ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। मुझे राजनीतिक विषय पर बोलने के लिए कहा गया है, आज की राजनीति आप देख रहे हैं, खास करके जो 18 और 20 साल की उम्र तक के लोग हैं, 18 और 20 साल के हमारे जो छात्र हैं, जो यूथ हैं, उन्होंने ना आजादी देखी है, ना आजादी की लड़ाई देखी है। आजादी के बाद हिंदुस्तान जब आजाद देश बना, तब हिंदुस्तान की हालात क्या थी वो देखी है। एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज से ना उन्होंने वो देखा है, किसी ने कुछ नहीं देखा। मुझे लगता है कि आप में से किसी ने भी उन हालात को देखा नहीं है, बल्कि पढ़ा, किताबों में पढ़ा है, आपने इतिहास को पढ़ा है, और उसी में जो पढ़ाया गया है वो पता है कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और बहुत सारे हमारे कांग्रेस के नेता और देश के जवान उस समय शहीद हुए। यही सारी चीजें, और उसके बाद भारत आजाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया, इतना ही पता। लेकिन इसके पीछे की भूमिका आपको देखना हो, देश की आजादी जिस तरह से किताबों में पढ़ लिया जाता है, नेता भाषण करके चला जाता है, ऐसे इतनी आसानी से देश की आजादी हमें नहीं मिली। हमारे नेताओं ने बहुत कुर्बानी दी, देश आजाद हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि देश में कांग्रेस ने 70 साल में देश में कुछ नहीं किया, इतने बेशर्म हैं ये लोग, इनको शर्म भी नहीं आती कि आज जिस वो हालत में खड़े हैं, उस हालत में लाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने, हमारे नेताओं ने किया।
जिस आजाद भारत में वो सांस ले रहे हैं, जिस कानून के तहत इस देश में लोकतंत्र बहाल है, वो देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। लेकिन फिर भी देश में लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है। लोग बोलते हैं, हाँ देखिए ना, 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप जाइए इतिहास के पन्नों को पलटिए, देखिए, सच्चाई का पता लगाइए। जब ये देश आजाद हुआ, देश की आबादी 32 से 33 करोड़ थी। 32 से 33 करोड़ इस देश की आजाद आबादी थी। हमारे देश का किसान इतना अनाज नहीं उगा पाता था कि 32 से 33 करोड़ लोगों का पेट भर सके। हमारी उस समय की सरकार बाहर से गेहूं, रेड व्हीट कहा जाता है उसको, लाल गेहूं, आप अपने ग्रैंडफादर से, फादर से अगर आप पूछेंगे कि रेड व्हीट क्या होता है, लाल गेहूं क्या होता है, तो आपको बताएंगे कि ये देश में एक समय ऐसा था जब लाल गेहूं, रेड व्हीट आयात किया जाता था, इंपोर्ट करवाया जाता था, तब जाके हमारे देश के 32 से 33 करोड़ लोगों का पेट भरता था। कांग्रेस की सरकार ने नई नई टेक्नोलॉजी लाई, देश के किसानों को आत्मनिर्भर किया, हरित क्रांति का नारा कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने दिया, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, और देश के किसानों को ट्रैक्टर इंटरेस्ट फ्री पे ट्रैक्टर देना शुरू किया, सब्सिडाइज रेट पे उनको खाद देना शुरू किया, उनको मदद करने का काम, डीजल उनको सस्ते रेट में देने की शुरुआत की ताकि ट्रैक्टर सही तरह से चल सके, और इतनी सारी सब्सिडी किसानों को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से देकर उनको आत्मनिर्भर किया, और उसका नतीजा यह हुआ कि हमारा देश का किसान आज इतना अनाज पैदा करता है कि 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का पेट भरता है, और आधे से ज्यादा अनाज आज हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी चीज, तो कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश के हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, छोटे और बड़े, हर बिरादरी को, हर जात को, देश के रहने वाले सभी नागरिक को बराबर का दर्जा और बराबर का अधिकार संविधान बनाकर दिया। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप पूरे देश में कहीं भी जाके रह सकते हैं, वो अधिकार आपको कांग्रेस पार्टी ने दिया। ज्यादा दूर में नहीं जाना चाहता, ज्यादा लंबी ऐतिहासिक भाषण में नहीं करना चाहता। राजीव गांधी जी का दौर आपको याद है, सुना तो होगा, नजदीक से सुना होगा, क्योंकि राजीव गांधी जी का कार्यकाल बहुत पुराना नहीं, 1984 का है, 40 साल पहले का इतिहास है, 35 साल पहले का इतिहास। राजीव गांधी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो इस देश की हालत, अगर यहां पर मुंबई में आप रहते हैं, आप अपने नेटिव प्लेस, अपने गांव, अगर आपको एक टेलीफोन करना पड़ता था तो उसके लिए क्रम कॉल बुक करना पड़ता था, आप अपने फादर को पूछना जाके घर में, क्रम कॉल बुक करना पड़ता था, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा रात को जागना पड़ता था कि रात को लाइन फ्री रहती है, रात को ही क्रम कॉल बुक हो पाएगा और लाइन आपको मिलेगी, और रात को अगर आपको शाम को 8 बजे क्रम कॉल बुक करते थे तो आपको लाइन मिलती थी 12 बजे, 1 बजे, और आपको इतनी जोर जोर से चिल्ला के बात करनी पड़ती थी, ऐसा आजा अगल बगल का पड़ोसी उठ के बैठ जाता। वो एक समय था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति इस देश में लाने का काम राजीव गांधी जी ने किया, और आज नतीजा ये हुआ कि दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठकर फेस टू फेस देख के टेलीफोन पे आप बात कर सकते हैं। ये हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। कंप्यूटर, इंटरनेट, ये तमाम सारी जो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, इस युग में यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब सैम पित्रोड़ा जी ने राजीव जी की सरकार के समय कंप्यूटर को प्रोजेक्ट किया था, प्रपोज किया था, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग कहते थे कि ये राजीव गांधी क्या करना चाहते हैं, ये लोगों के हाथ में एक डब्बा थमा रहे हैं और इस डब्बे में कुछ नहीं है, इससे लोगों का भविष्य नहीं बनेगा। लेकिन आज कंप्यूटर, इंटरनेट, आज इसके अलावा दो आदमी की जिंदगी दो भर हो गई है। अगर वो चीज आपके पास ना हो
दो घंटे के लिए मोबाइल आपसे अलग हो जाए तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया, हम अकेले पड़ गए। ये आज ये सारी चीजें देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे नेताओं ने कुल अपनी जान को बात कर दी, लेकिन कभी देश की एकता और अखंडता से समझौता नहीं किया। तो मिनट की बात आज एयरलाइन में आप चले जाइए, हर चीज में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप चले जाइए, आज फूड ग्रेन में आप चले जाइए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप चले जाइए, लाइफ ऑफ आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड बनाने का काम अलग अलग योजनाओं की तरह योजना लाकर इस देश में अगर किसी ने खड़ा करने का काम किया तो कांग्रेस की सरकारों ने किया। हर क्षेत्र में, लेकिन 2014 में आपने देखा कि क्या हुआ, एक नेता उठा गुजरात से, भाइयों और बहनों इतनी बार झूठ बोला, इतनी बार झूठ बोला, घूम घूम के झूठ बोला कि देश के नौजवानों ने, देश के लोगों को लगा कि आदमी सही बोल रहा। आज देश की हालत क्या है आप जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए, आज हमारा देश जाके कहां खड़ा है, आज जम्मू और कश्मीर में क्या हो रहा है, देश की दूसरी सीमाओं पर क्या हो रहा है, रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। एक दो की कादा मेरी महीने का डाटा उठा के देखेंगे तो हर महीने सैकड़ों जवान हमारा शहीद हो रहा है। 56 इंच की छाती की बात करने वाला देश का प्रधानमंत्री कभी जम्मू कश्मीर की सीमा की सुरक्षा को देखने के लिए या वहां के सैनिकों की, वहां के आर्मी के हमारे जवानों की कभी हौसला अफजाई करने की याद नहीं किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री होते थे, चाहे राजीव जी होते थे, इंदिरा जी होती थी, या जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए कांग्रेस पार्टी की सरकारों में या डिफेंस मिनिस्टर हुए हैं, हमेशा ऐसी सीमाओं पर जाकर हमारे सैनिकों के बीच में, जवानों के बीच में बैठा करते थे, उनका उत्साह बढ़ाया करते थे और पूरी तरह से उनको इतना आत्मनिर्भर करते थे कि दुश्मन अगर आग भरा था उसकी आग पहुंचने का काम हमारे देश के सीमा पर सुरक्षा करने वाले लोग, हमारे जवान का जवाब दिया करते थे। बहुत सारी चीजें, तो सारी बातों को खास करके मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी का जो एनएसयूआई संगठन है ये बुनियाद है, फाउंडेशन है। अगर हमारा छात्र, हमारे छात्रों के बीच में आज लोगों के बीच में बहुत सारी गलत फहमियां हैं, नहीं मालूम आज की बुनियाद पर इतनी ज्यादा गलत फहमियां हैं, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्योंकि इतना दुष्प्रचार कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के खिलाफ हुआ है कि लोग बह चुके हैं, दिशाहीन हो चुके हैं। सही इंफॉर्मेशन लेकर उनकी जहनसाजी करने का काम करना होगा, उनकी ब्रेन मॉपिंग करने का एक तरह से आपको काम करना होगा, उनकी काउंसलिंग करने का काम करना होगा, उनको बताना पड़ेगा कि हम उस पार्टी के सिपाही हैं, हम उस पार्टी का झंडा लेके चलते हैं जिस पार्टी ने इस देश को आजाद करवाने से लेकर दुनिया के नक्शे पर भारत की पहचान करवाने का काम किया, हम उस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये आपको उनके बीच में बैठना होगा, बताना होगा, जाना होगा, समझना होगा और समझ कर उनको अपने साथ खड़े करना पड़ेगा, उनको जोड़ना होगा, क्योंकि आज देश किस तरह से, आर्थिक परिस्थिति हमारी खराब हो रही है, विदेश नीति हमारी खराब हो गई है, हमारे नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं, जो रोजगार थे वो भी बेरोजगार हो रहे हैं, नए रोजी रोजगार का मौका लोगों को नहीं मिल रहा है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से बंद हो गया है, खत्म हो गया है। आप देखिए, आप जिस शहर में रहते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, आप रोज न्यूज देखते होंगे, खबरें पढ़ते होंगे, आप मुझे बताइए कि पिछले 5 सालों में 4 सालों में मुंबई या महाराष्ट्र में कोई भी नामवर कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री ने अपना कोई यूनिट महाराष्ट्र में शुरू किया है क्या? जॉब जनरेशन कैसे होगा जब नई कंपनियां आएंगी या पुरानी कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट करेगी अपने यूनिट को, तब नए जॉब क्रिएट होंगे, नई कंपनियां बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तब नई ऑफिसेज खुलेंगी, तब नया काम मिलेगा, नया जॉब होगा, तब नया जॉब क्रिएट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। पिछले 4 साल का आप डाटा उठाकर देख लीजिए, महाराष्ट्र सरकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में या फाइनेंस डिपार्टमेंट में आप आरटीआई मानकर देख लीजिए तो पूरे महाराष्ट्र में एक भी नई यूनिट या एक भी नई कंपनियों ने कोई नया बिजनेस शुरू नहीं किया। तो जॉब शुरू कैसे हो? पिछले 4 साल हमारी सरकार 15 साल कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र में थी। मैं पिछली सरकार में थर्ड टेनवर में मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर हुआ करता था,
हमने टेक्सटाइल पॉलिसी महाराष्ट्र में लाई, हमारी पॉलिसी को चुराकर उसी को थोड़ा चेंज करकर गुजरात के मुख्यमंत्री ने हमारी पॉलिसी के आने के बाद वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी नई पॉलिसी बनाई, लेकिन उनकी पॉलिसी फ्लॉप हो गई। हमारी पॉलिसी इतनी अच्छी थी कि कम से कम 4 साल के अंदर 20,000 से ज्यादा रोजगारों को, नए युवकों को नया रोजगार होने का काम किया। सिर्फ एक डिपार्टमेंट में कॉटन से क्लोथ तक की हमने स्कीम बनाई, ताकि जहां पर कॉटन पैदा होता है उसको निकालना, उसको वॉश करना, उसको क्लीन करना, उसका धागा बनाना, उसकी वीविंग करना, उसको कलरिंग करना, उसकी प्रिंटिंग करना और उसके बाद में स्टिचिंग से लेकर पैकिंग करके बाहर निकालना, ऐसा हमने नई स्कीम अंडर वन अम्ब्रेला सारा शुरू किया। उसका फायदा महाराष्ट्र में हुआ, वो आज उस पॉलिसी को रोक दिया गया है। माइनॉरिटी है, दलित है, अलग अलग समाज आज अपने आप को कहीं ना कहीं डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। पूरे देश में हालत है जो एक लोग खुले माहौल में जी रहे हैं, आज डर के माहौल में पूरे देश में जी रहे हैं कि कब कहां और क्या क्या होगा, कुछ पता नहीं चलता। इस तरह की हालात इस देश में पैदा हुई है। ये जिम्मेदार इसके अगर कोई है तो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम छात्र संगठन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में मजबूती से करेगी। ये संदेश आपको यहां से लेके जाना होगा और रात दिन एक करके छात्रों को हर कॉलेज में आपको घूम घूम कर लोगों के बीच में ग्रुप बनाकर बैठ कर उनको अपने साथ खड़ा होना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो गलत फहमियां पैदा की गई हैं, जो उनको अलग तरह से गुमराह किया गया है, उनको सही जानकारी देकर उनके साथ अपने साथ खड़ा करने का काम आप सबको करना होगा। मुझे खुशी है कि पिछले जब से फिरोज खान एनएसयूआई के अध्यक्ष, अखिल भारतीय एनएसयूआई के अध्यक्ष बने हैं, सारे प्रदेश में वो जा रहे हैं, एनएसयूआई संगठन को मजबूती से ताकत दे रहे हैं, उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। मुंबई के अंदर भी आप सबकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि मुंबई शहर एक ऐसा शहर है कि मुंबई में जो भी राजनीतिक गतिविधियां होती है, जो भी पॉलिटिकल डिस्कशन, डिबेट या मोमेंट होता है, उसका असर पूरे देश में दिखाई देता है। तो मुंबई की एक अपनी अलग पहचान है, उस पहचान को कायम रखते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए आप सारे लोग, क्योंकि आप अगर इस संगठन में आए हैं, आपने इस संगठन की सदस्यता ग्रहण की है, आपने चुनाव लड़े हैं, आपके काम को देखते हुए नेताओं ने आपको अलग अलग पद पे रखा है, तो कुछ उम्मीदें आपसे हैं, तो आपको उन उम्मीदों पर खरा उतरने का काम आने वाले दिनों में होगा। और पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम दिए जा रहे हैं, जो चीजें आपको बताई जा रही है, उसको छात्रों के बीच में, कॉलेजों में अलग अलग कॉलेजों में आप सबको जाकर और मजबूती के साथ वहां पर लोगों को जोड़ने का काम, स्टूडेंट्स को जोड़ने का काम आपको करना होगा, ताकि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सके और हम सबका, आप सबका जो सपना है कि 2019 में इस देश का अगर कोई प्रधानमंत्री बने तो हम सबके नेता राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने, वो जो सपना, वो जो ख्वाब इस देश के लोगों का है, गरीबों का है, दलितों का है, पिछड़ों का है, किसानों का है, हम सबका है, युवकों का है, उसको पूरा करने की काम में आप सबको आज ही से लगना होगा, ताकि आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूती के साथ देश में और महाराष्ट्र में खड़ा किया जाए और कांग्रेस के तिरंगे की सरकार, कांग्रेस की विचारधारा की सरकार राज्य और देश में बन सके, ताकि देश की जनता को, राज्य की जनता को जो जिस तरह से उनकी सेवा करने का संकल्प कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के तहत है, उसको पूरा करने का काम किया जा सके। मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एनएसयूआई मुंबई के अध्यक्ष हमारे विपिन सिंह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी पूरी ताकत एनएसयूआई के साथ यूथ कांग्रेस, क्योंकि मैं भी यूथ कांग्रेस से आया हूँ, यूथ कांग्रेस मुंबई में एक मजबूत संगठन हुआ करता था हुआ करता है। आज गणेश यादव उसी तरह से काम कर रहे हैं पूरे मुंबई के अंदर, मैंने यूथ कांग्रेस के कार्यक्रमों को देखा, एनएसयूआई का कार्यक्रम भी उसी तरह से होता है। ये दोनों संगठन मुंबई के अंदर अपनी एक ताकत बनाने का काम कर रहे हैं और उस ताकत का हिस्सा आप सारे लोग हैं और उसको मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।